હું માનનીય નંદુભાઈને વિનંતી કરીશ, માધવ સ્મૃતિ ન્યાસના ન્યાસી છે એમને વિનંતી કરું કે આજના વક્તા માનનીય સહસરકાર્ય મનમોહનજી અને મહાનગર સંચાલકને લઈને સ્ટેજ ઉપર પધારે. મહાનુભાવોનો પરિચય આપવા માટે ભાનુભાઈ ચૌહાણ માધવ સ્મૃતિ ન્યાસના ન્યાસી છે અને આપણા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંતના કાર્યકારીણી સદસ્ય છે પ્રાંતના અને સાથે સાથે મહાનગરના સહકાર્યવાની જવાબદારી વહન કરે. વૈસે તો કલ ડિટેલ મેં મહાનુભાવો કા પરિચય હમકો પ્રાપ્ત હો હી ગયા હૈ, लेकिन परंपरा ऐसी रहती है कि एक बार फिर परिचय देना चाहिए. कल थोड़ा विस्तृत परिचय देता हूं. हमारी व्याख्यानमाला का क्रम जिनके मार्गदर्शन के कारण शुरू हुआ, वैसे हमारे माननीय सह सरकार्यवाह जी डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य हमें आज व्याख्यान प्रदान करने वाले हैं. डॉक्टर मनमोहन जी गुजरात प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे हैं और उसी वक्त ये परंपरा व्याख्यान माला की उनकी प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन अनुसार शुरू की. डॉक्टर मनमोहन जी ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पीएचडी किया है. विशेष तौर पर ब्रांच की अगर बात की जाए तो रेडियो केमिस्ट्री में उनका पीएचडी हुआ है. अनेक विध छोटी बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते करते आज हमारे भारतवर्ष के स्तर पर सह सरकार्यवाह ऐसा दायित्व निभाते हुए हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं. उनका लिखने का एक कौशल्य हमें उनके काफी कॉलम्स जो हम पढ़ते हैं इनमें से हमको प्राप्त होता है. खास करके हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, नवगुजरात, दैनिक जागरण ऐसे समाचार पत्रों में फ्रीक्वेंसी से उनके लेख हमको पढ़ने के लिए प्राप्त होते हैं. विदेश से, ब्रिटेन से जो निकलता है संडे गार्डियन, इनमें भी उनके काफी लेख हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं. तो ऐसे एक विचक्षण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य का पाथे हमको मिलने वाला है. उनका एक विशेष रुचि का जो विषय है, कल भी मैंने बताया था कि जो बोलते हैं जियो कल्चरल, भू सांस्कृतिक मुद्दे जो है उन पर उनका काफी अध्ययन है और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी उनकी एक जो सोच है वो हमको उनके अध्ययन में, लेखन में मिलती है देखने के लिए. तो आज ऐसे हमारे एक अखिल भारतीय अधिकारी का पाथे हमको मिलने जा रहा है. मैं उनका हृदय से ऋणी हूं. मंचस्थ दूसरे हमारे अधिकारी माननीय महेश भाई परीख, महानगर का दायित्व महानगर माननीय संघ चालक जी की जिम्मेदारी के साथ वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं. हमारे ट्रस्ट पर उनकी विशेष प्रीति है, सदैव उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है. माधव स्मृति न्यास के प्रमुख ट्रस्टी श्री नंदुभाई पटेल, नंदुभाई भी संघ की व्यवस्था से जो साबरमती भाग है वो भाग के माननीय भाग संचालक जी के नाते दायित्व निभा रहे हैं. तो आज एक थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दोहराया मैंने. आज हर्ष भाई को मैं निवेदन करूंगा आगे का कार्यक्रम के लिए.
આપની વચ્ચે વધુ સમય ને તો આપણે જેની માટે આવે છે સાંભળવા માટે માન્ય મનમોહનજીને આજના દિવસમાં પાથે આપવા વિનંતી. માધવ સ્મૃતિ ન્યાસ કે વ્યાખ્યાન માલા કે દૂસરે દિન કે વ્યાખ્યાન મેં મંચ પર ઉપસ્થિત મહાનગર સંઘ ચાલક શ્રી મહેશભાઈ, માધવ સ્મૃતિ ન્યાસ કે ટ્રસ્ટી નંદુભાઈ ઓર ઉપસ્થિત સુધી ભાઈઓ બહેનો, कल हमने धर्म विषय पर चर्चा की. कई लोगों की धर्म के बारे में धारणाओं को थोड़ा धक्का लगा होगा कि पूजा करना, मंदिर में जाना वगैरह साधारणता धार्मिक व्यक्ति है यानी क्या, तो पूजा अर्चा करता है, बहुत बहुत मंदिर में जाता है कुछ, तो धार्मिक कृत्यों में जो रिलीजियस, जिसको एक शब्द अच्छा वास्तव में कर्म कांड है, इसमें जो समय अच्छा देता है वो धार्मिक, ऐसा कहने की हमारी मान्यता है कि धर्म वास्तव में वह है जो धारणा करता है. धर्म की असली व्याख्या है धारणात् धर्म मित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः. कि मूल अर्थ कई बार भूल जाता है, उसको थोड़ा एक छोटा सीमित अर्थ हमारे यहां प्रचलन में प्राप्त हो जाता है. ऐसा होता है, कई शब्द ऐसे हैं. जैसे शब्द राष्ट्रीय है, साधारणता राष्ट्रीय मतलब भौगोलिक अखिल भारतीय, ऐसा स्वरूप उसको प्राप्त हो गया है. मुझे एक दिल्ली में व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा ये है रमेश जी, हमारे दिल्ली के एक वार्ड के भाजपा के अध्यक्ष है. आदेश गुप्ता जी दिल्ली राज्य के अध्यक्ष है और जगत जी नड्डा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा कहने के प्रचलित है. मैंने कहा कि आपकी बात सही नहीं है. वो चौंक गए, उन्होंने बात तो ठीक ही कही थी. मैंने कहा वास्तविक क्या है कि रमेश जी एक वार्ड के भाजपा के अध्यक्ष है, बात सही है. आदेश गुप्ता दिल्ली राज्य के अध्यक्ष है, जगत जी नड्डा ये अखिल भारतीय अध्यक्ष है और तीनों राष्ट्रीय है, ऐसा मैंने कहा. क्योंकि राष्ट्रीय शब्द गुणात्मक है, हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय बने, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. 2019 पोलो ग्राउंड तक जाते समय मैंने जानकारी प्राप्त की, कई रिक्शा चालकों ने उनसे किराया नहीं लिया. रामकथा में जा रहे हैं क्या, तो फ्री सर्विस थी. मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि ये रिक्शा चालक रिक्शा वाले कितने धार्मिक हैं. 3 महीने बाद मेरा यह भ्रम टूट गया. हुआ क्या, तो बड़ौदा में एक तो साइकिल रिक्शा वगैरह नहीं है, या तो ऑटो रिक्शा है या वहां की सिटी बस सर्विस है. अचानक बड़ौदा शहर के सिटी बस सर्विस का स्ट्राइक की घोषणा हो गई, तो लोगों को कहीं जाना है तो अब उनके पास एक ही माध्यम था. तभी रिक्शा चालकों ने पैसेंजर से 3-3 गुना किराया लिया. यानी क्या हुआ, वास्तव में राम कथा को आने वाले लोगों के तो मन में रिक्शा करना है, रिक्शा का किराया देना, उसकी व्यवस्था वो करके आए थे. इसके अलावा वहां पर मंदिर में आरती में कुछ न कुछ वहां पर दान दक्षिणा करने की प्रिपरेशन उनकी थी, ऐसी तैयारी के साथ आए थे. रिक्शा का खर्चा बच गया किराया, तो राम कृपा से बच गया, लेकिन ये राम का ही था, उन्होंने शायद वहां पर आरती में अधिक दान किया होगा, ये संभव है.
यहाँ तो समाज के सामान्य वर्ग के लोग जिनको बस का किराया 3 रुपया उतना ही पुराता है, दे कैन एफोर्ड टू स्पेंड ओनली 3 रुपीज फॉर बस सर्विस, उनको रिक्शा से जाने का बाध्य होना पड़ा है, 30 रुपया अगर किराया होता है, वही उनके लिए वास्तव में टैक्सिंग है। रिक्शा चालक उतना ही लेते तो भी हर एक को 3-3 गुना ग्राहक मिलते, तो 3 गुना कमाई तो होती उनकी। इसलिए धर्म की हमारी जो धारणा बनी है वो पूजा अर्चना तक सीमित रही है, वास्तव में उसके लिए हमारे यह सच्चा शब्द उपासना का है। उपासना धर्म के लिए है, उपासना बहुत महत्व की है, उपासना से आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होने में बहुत सहायता होती है, तो आपके मैं से हम की यात्रा अधिक आसानी से जल्दी होकर आपको अधिक व्यापक क्षेत्र अपना लगने लगता है, उसके लिए स्वाभाविक करने का मन होता है। तेना त्यक्तेन भुंजिता का भाव सहज आता है, ईर्ष्यावासम इदं सर्वम आने के बाद मां गृधा का भाव भी आता है, लेकिन धर्म मतलब प्रत्यक्ष आचरण है, करने की बात है, इसलिए धर्मम चर ऐसा कहा है। दूसरा शब्द है सेकुलरिज्म, सेकुलर। जैसे आजकल मोबाइल इंटरनेट भी आए, जब स्वतंत्रता मिली तब नहीं थे, उसकी चर्चा होने का सवाल नहीं। ऐसे भारत की संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तब सेकुलरिज्म वगैरह की जानकारी उनको नहीं थी, ऐसा नहीं था, दे न्यू इट। सूरत के केटी शाह नाम के एक सज्जन ने, एक मेंबर ने एक बिल लाया था कि भारत को सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऐसा कहा जाए, उस पर चर्चा हुई, सारे विद्वान लोग थे और सभी का ऐसा मत रहा कि भारत के परिदृश्य में इसकी आवश्यकता नहीं, इट इज नॉट नीडेड, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि सेकुलरिज्म ये यूरोप का ही शब्द है, वहां की अवधारणा है, उसको एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है। थर्ड सेंचुरी में रोम का राजा कॉन्स्टेंटीन ये ईसाई बना, रोमन साम्राज्य का नेटवर्क था, उसके पहले वहां पर केवल टोलियां थी, लड़ते थे, हिंसा करते थे, लूटते थे, देयर वाज नो ऑर्डर एज सच। रोमन एम्पायर के कारण वहां पर एक रचना संरचना खड़ी हुई और 6th सेंचुरी में रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, तो और रोमन एम्पायर के कारण एम्पायर के साथ क्रिश्चियनिटी का प्रसार बहुत बड़ा इस 300 वर्षों में। वास्तव में पोप का केंद्र जेरूसलेम था, रोम में बिशप होता था, लेकिन राजा का वरदस्त मिलने के कारण बिशप का महत्व बढ़ गया पोप से भी, फिर पोप का स्थान ही वहां से बदल कर जिसको आजकल वेटिकन कहते हैं वो रोम का ही भाग है, वहां चले गए। तो क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ क्रिश्चियनिटी का भी प्रसार हुआ, इसलिए अब रोमन साम्राज्य नहीं रहा तो लोग आपस में भीड़ न जाए, फिर से लड़ाई झगड़ा लूटफाट शुरू न हो, इसके लिए देयर वाज नो अदर अरेंजमेंट अदर देन द चर्च, इसलिए सारा राज्य का कब्जा चर्च के पास आया। इसको वहां की भाषा में थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, तो पोप इज टू रूल किंग के बदले में। 1000 वर्षों तक इस प्रकार के थियोक्रेटिक स्टेट, जिसके लिए भारतीय भाषा में शब्द नहीं है, तो लोगों को लगा कि रिलीजियस मैटर में तो पोप की बात मानेंगे बराबर है, हमारी भौतिक मटेरियल चीजें हैं, शादी ब्याह प्रॉपर्टी वगैरह, इसमें हमारी अपनी बातें करेंगे हम, वी वांट टू सेपरेट दिस, जो मटेरियल भौतिक जगत के विषयों को रिलीजियस कब्जे से मुक्त करना, फ्रॉम
उसकी बात इसके सेपरेशन को वहां पर जो मटेरियल चीजें थी भौतिक विषयों को उन्होंने सेकुलर मैटर्स का रिलीजियस मैटर्स एंड सेकुलर मैटर्स इनको सेपरेट करने की जिन्होंने मान्यता दी उन्होंने सेकुलरिज्म स्वीकार किया ऐसा उसका अर्थ हुआ। दे नेवर मेंट इक्वेलिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस वो आज भी नहीं मानते हैं तब भी नहीं मानते थे। नाइदर दे मेंट डिनाइंग रिलीजन रिलीजन को नहीं मानना ऐसा भी नहीं था लेकिन हमारे भौतिक जगत के विषयों को हम सेपरेट करेंगे रिलीजियस मैटर को सेपरेट करेंगे उसमें हम पोप की बात मानेंगे। भारत में ऐसे कोई कारण नहीं था ऐसे कोई पर, भारत में कभी थियोक्रेटिक स्टेट था ही नहीं इसलिए भारत में इसको लाने की जरूरत नहीं थी। जो संविधान सभा में सब लोगों ने इट वॉज डिस्कस डिबेटेड एंड डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड बिकॉज इट वॉज फाउंड नॉट नेसेसरी। जब अब कब लाया गया 1976 में इमरजेंसी थी क्यों लाया गया नोबडी नोज नोबडी डिमांडेड इट नंबर वन इट वॉज नाइदर नीडेड क्योंकि आर्टिकल 25 टू 30 के अंदर भारत के सो कॉल माइनॉरिटीज को सभी प्रकार के अधिकार उसको केवल इम्प्लीमेंट करना दैट्स इट कोई जरूरत नहीं थी। इट वॉज नाइदर डिमांडेड नॉर नीडेड नाइदर डिस्कस डिबेटेड क्योंकि विरोधी दल के सब लोग जेल भी ठूस दिए गए थे। वो भी अमेंडमेंट प्रीएम्बल में किया गया जो वास्तव में नहीं करना चाहिए। कल मैंने उल्लेख किया आईएमसी में एक प्राध्यापक जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे 6 बार उन्होंने कहा कि संविधान में सुधार करने की गुंजाइश है लेकिन प्रीएम्बल को आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा 6-6 बार कहने के बाद एक छात्रा ने जब हाथ खड़ा किया पूछा कि ये 42nd अमेंडमेंट उसका क्या हुआ ही वॉज स्पीचलेस कोई उत्तर नहीं था। जब रशिया में कम्युनिज्म बहुत जोर पर था तब कि एक कहानी मुझे याद आती है दृश्य दिखाते बोलते एक है प्रत्यक्ष कुछ और होता है यह कहने के लिए वो कहानी है। कहानी ऐसी है कि रशिया में एक जू में अनेक प्राणी थे प्राणी को देखने के लिए बच्चे स्कूल के आते थे उसके कारण उनकी जानकारी बढ़ती थी लेकिन हाथी नहीं था। अब हाथी लाना बहुत खर्चे का हाथी का खुराक बहुत ज्यादा इसलिए कोई हाथी लाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक व्यक्ति तैयार हुआ उसने कहा कि हम एक बलून का हाथी के साइज का हाथी बनाएंगे बलून का हाथी बनाएंगे बिल्कुल आबे हो हाथी दिखेगा ऐसा एक बार हवा भर देंगे तो उसको खाना खिलाने की जरूरत नहीं तो सस्ते में काम हो जाएगा लोगों का हाथी भी देखने को मिलेगा। तो लगा प्रशासन को ये अच्छी बात है तो ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया गया और आर्टिस्ट सही में ऐसा हाथी बनाया दूर से लगे कि हाथी खड़ा है पूर्ण बाकी हाथी का जो कटघरा था वो तो खुला ही होता है तो वहां था वहां रख दिया थोड़ा घास वास डाल दिया वहां पर खाने का सवाल नहीं था वो यहां घास चलेगा। ए स्कूल के बच्चों को लेकर एक स्कूल की मैडम आई वो प्रत्येक प्राणी के पिंजरे के सामने खड़े होकर ये टाइगर है उसके क्या क्या आदत है कैसा है क्या विशेषता बताती थी फिर ये भालू है ये लंगर अंगूर है ऐसे के बाद में वो हाथी का जो कठड़ा था वहां पर आ गई और कहने लगी एलिफेंट इज द सबसे वजनदार प्राणी हाथी होता है जंगल का उसका वजन बहुत होता है बाकी बस शाकाहारी होता है बताया 3-4 आके बताया प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे बच्चे वो बात मैडम ने बताया याद कर रहे थे। तब तक दोपहर हो गई थी धूप अच्छी निकली थी तो गर्मी बढ़ी तो हाथी के अंदर जो हवा भरी थी वो हवा भी गर्म के कारण थोड़ी फूल गई तो हाथी का साइज थोड़ा और मोटा हो गया तो हाथी हवा में थोड़ा धीरे से ऐसा अंदर उठ रहा था तो बच्चे याद कर रहे थे मैडम की बात दैट एलिफेंट इज द हेवीएस्ट एनिमल इन द जंगल और हाथी ऐसा हवा में उठ रहा था। यहां कहानी पूर्ण होती है उस समय के कम्युनिज्म के सारे जो ढकोसले थे
उन पर बड़े सुंदर टिप्पणी थी है। ऐसा मुझे जब उस छात्रा ने कहा कि हमारे टीचर इतना छह छह बार कह रहे थे, मैंने पूछा, वो चुप हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो और इसका अनुवाद समझ के, भारतीय अवधारणा नहीं है। जो अवधारणा भारतीय नहीं है उसके लिए शब्द संभव नहीं। धर्म शब्द ये भारत का ही है, उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संभव नहीं है। कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश करने से कंफ्यूजन बढ़ता है कई बार। लेकिन अंग्रेजी में जो पढ़े लोग हैं वो कहते हैं ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। तो मैं सिंपल उदाहरण बताता हूँ, स्कूल के मैंने कॉलेज के बच्चों के लिए उदाहरण है भाई। दूध के लिए क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो सब कहते हैं मिल्क कहते हैं। उसे दही बनता, दही के लिए क्या कहते हैं? सब कहते हैं कर्ड कहते हैं। उसे छाछ बनती, उसके क्या कहते हैं? तो बटर मिल्क कहते हैं। मक्खन निकलता है तो क्या कहते हैं? तो बटर कहते हैं। फिर घी बनता है, घी के लिए क्या कहते हैं? सब कहते हैं घी कहते हैं अंग्रेजी में। क्यों भैया? अगर बाकी चार का शब्द है तो घी के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां घी नहीं बनता है, वहां बहुत ठंडा प्रदेश है, खूब बर्फ रहता है। तो मक्खन मक्खन के रूप में घर में रहता ही है, टिकता ही है। अपने यहां फ्रिज तो अभी आए। सो दे हैड ए हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग बटर इन द फॉर्म ऑफ बटर इटसेल्फ। इसलिए वहां की भाषा में बटर को लेकर अनेक मुहावरे बने हैं। इट इज क्वेश्चन ऑफ ब्रेड एंड बटर, टू सी विच साइड ऑफ द स्लाइस बटर इज, और बटरिंग ए पर्सन, वहां बने। भारत क्योंकि उष्ण प्रदेश है, यहां मक्खन टिकता नहीं है ज्यादा दिन तक, इसलिए भारत की माताओं ने रिसर्च करके एक नया पदार्थ, एक प्रक्रिया ढूंढ निकाली जिससे वह पदार्थ पौष्टिक भी रहे और घर में अनेक दिन तक टिका रहे। तो भारत की हर भाषा में घी के लिए शब्द है। घी को लेकर मुहावरे हैं, हिंदी में कहते हैं पांचों उंगलियां घी में, गुजराती में कहते हैं घी रड़े तो खिचड़ी माट ना सो वांदो छे, मराठी में कहते हैं खाइंदर तुपाशे नहीं तो रूपाशे, संस्कृत में बहुत लग्जूरियस जीवन जीना चाहे जो हो ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, ऐसा कहा है। क्योंकि घी भारत में ही बनता है, यही यहां वहां नहीं बनता, इसलिए उसके लिए यहां शब्द है वहां नहीं है। उसी तरह सेकुलरिज्म, लोग कहते हैं क्या धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष, सर्वधर्म समभाव, सब गलत है। इसलिए सेकुलर को अगर हिंदी में गुजराती में लिखना है तो सेकुलर ऐसा ही लिखना चाहिए, तो जल्दी समझ में आएगा। अब बात ऐसी हुई है कि सेकुलरिज्म ऐसा चुपके से आया, जिसको मराठी में कहावत है काना मगो नारन तिकट झाला। अब उसके उसके विरुद्ध बोलना मतलब आप कहो ना, सीधी बात, यू कांट क्वेश्चन इट। लेकिन मान्यता कैसी हो गई है कि हिंदू की बात करना ये एंटी सेकुलर है और कम्युनल है, बाकी सो कॉल्ड माइनॉरिटी कुछ बातें करेंगे वो सेकुलर है, वो कुछ भी करे, उन्होंने कुछ भी किया तो उसको सपोर्ट करना ये सेकुलर है। हिंदू की बात करना इट में ऑफेंड अदर्स ऐसा लगने लगा है, कारण नहीं वास्तव में हो गया है। मेरे एक नागपुर का मित्र गणित में खूब अच्छा उसका स्थान रहा है, यहां से एमएससी के बाद 76 में सारा परिवार अमेरिका गए, वहां पर गणित का प्राध्यापक है वह, उसके नाम से गणित की थियोरी वहां के विद्यापीठ में सिखाई जाती है। मुझे मिला था 92 में अमेरिका में, तब उसने कहा कि अब हर साल उनकी मैथमेटिक्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है कहीं लंदन में, फ्रैंकफर्ट में, पेरिस में। तो 1990 में ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी, भारत छोड़ने के बाद पहली बार ये दिल्ली भारत में आ रहा था। एक मन में कुछ था उमंग कुछ, लेकिन उसने मुझे कहा कि फाइव स्टार होटल में रहते थे, कॉन्टिनेंटल फूड था, टाई सूट बूट पहन कर रहते थे, अंग्रेजी बोलते थे। यानी यह कॉन्फ्रेंस फ्रैंकफर्ट में होती, लंदन में होती, तो जैसा होता वैसा यहां हो रहा था, इसलिए भारत में मैं आया वैसा मुझे कोई एहसास फील नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जहां रहता था, जिस होटल में मुझे कमरा दिया था, वहां सुबह मुझे अचानक 5 बजे एक मंदिर की घंटी का आवाज आया। उसने कहा दैट वॉज द फर्स्ट फीलिंग, एहसास हुआ कि मैं भारत में आया हूं।
मैं तुरंत बाहर निकला तैयार होकर और घंटे की आवाज की दिशा में जाने लगा। वह गणेश जी का मंदिर था, इनके घर में गणेश की पूजा है, इसको बहुत अच्छा लगा। रोज 4 दिन थे उसका अनुप्रत, रोज वहां पर सुबह वो वहां पर दर्शन करने जाता था। आखिरी दिन लोगों ने अपने अपने जो इनपुट दिया कॉन्फ्रेंस के बारे में, चर्चा कैसी हुई, क्या व्यवहार, एक ने बोला इसका जब नंबर आया 90 की बात है, इसने कहा कि खूब अच्छी चर्चा हुई और फैसिलिटी अच्छी थी, सुविधा अच्छी थी, एंड स्पेशल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर अरेंजिंग माई स्टे इन ए रूम नियर ए टेम्पल सो दैट आई कुड गो डेली फॉर दर्शन, ऐसा उसने कहा। जैसे इसका बोलना पूर्ण हुआ, भारत के अनेक लोगों ने उसको जाकर कहा, अरे भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया, इसके समझ भी नहीं आ रहा था क्या गुनाह किया है मैंने। तब उन्होंने कहा, अरे यहां कोई क्रिश्चियन मुस्लिम हो सकते हैं, दे मे फील ऑफेंडेड, इसके समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं मंदिर में जा सका इसका धन्यवाद दे रहा हूं, इसलिए वाई समबडी शुड फील ऑफेंडेड। वास्तव में उस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई मुस्लिम ईसाई होते उनको इसमें कोई आपत्ति लगती नहीं है, हमारे कुछ ऐसे सेकुलर हिंदुओं का आपत्ति लगती है, ये प्रॉब्लम। अभी कुछ समय पूर्व तो मुझे मिलने के लिए एक महिला आई थी जो पहले पत्रकार थी, फिर शादी हुई, बेटा हुआ, अब थोड़ा समय मिल रहा तो उसको फिर से कुछ काम करना की इच्छा थी। उसके एक चचेरे भाई से बात की, उसने मुझे मिलने के लिए बताया, तो मुझे मिलने आई। हमारी एक 1.5 घंटा अच्छी चर्चा हुई। अब वो कैसी लिखती है जानने के लिए मैंने कहा कि अपने जो मीटिंग उसके बारे में आप लिखो। उसने लिख कर भेजा, वो इतना सुंदर था, इतना सटीक था, इतना एक आंखें खोलने वाला था, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसको सुने, तो उसी की आवाज में उसको हमने रिकॉर्ड किया है। तैयार है ना, चलो 3 मिनट का है केवल, धैर्य रखिए, ध्यान से सुनिए। I'm an Indian. To me, I'm to India. I thought this was more of a physical, geographical, and maybe even a cultural reality. I'm also a Hindu, but my faith, which is deeply personal to me, has nothing to do with my national identity. Or so I thought. Again, until a couple of days ago. I never once thought to blend my faith and my national identity. They're not the same thing. In fact, I very strongly thought the two shouldn't mix, until a couple of days ago. For we, as modern, urban, progressive Indians, are taught not to mix our religions and national identity. While being patriotic is great, we're taught not to wear being a Hindu on our sleeve, whether it's at work or at social gatherings, for it might offend other religions of India. Being Hindu, mixing the two is looked at as being communal and marginalizing anyone who follows a different faith. India belongs to every faith equally, we are taught. India is a land of diverse cultures, we are taught. A couple of days ago, I had a conversation about this with Dr. Vaidya of the RSS. RSS, an organization that believes India should be a Hindu Rashtra, that strongly believes in propagating the Hindutva agenda, an organization that sees everyone in India through saffron-colored glasses. Or so I thought until this conversation a couple of days ago. It was only during this conversation that I realized how far from the truth was my knowledge of the subject. For the first time, I heard and absorbed what it really means to be a Hindu and how it isn't at all far from being Indian or Bharatiya. In fact, they are the same thing. Hindutva is a way of life. It was a way of life in this region of the world much before religion existed. It was a way of life that continued to thrive much after religion divided this country into two. And it will be a way of life here despite the fast-spreading business of religion today. Bharat or India is the seat of this way of life. The soul of this nation is this throbbing, thriving celebration of diversity.
being Hindu is celebrating this diversity and recognizing the underlying sameness in the glaring differences. Bharat goes way beyond the lines drawn on a map. Bharat is a concept of inclusivity and humanism that has transcended generations and generations, invasions after invasions. In the words of Ernest Renan, a nation is a spiritual principle and not a group determined by the configuration of earth. A nation is a soul. The nation, like the individual, is the fruit of a long past spent in toil, sacrifice and devotion. It couldn't be truer for a nation like ours. Similarly, being Hindu goes beyond the god you worship. It's a celebration of the various paths that lead to the same god. In its Hindutva lies this nation's essence. I am a Hindu, which makes me an Indian. I am an Indian, which makes me a Hindu. And where I fold my hands or bow my head in worship have nothing to do with it. ठीक है, इतना क्लियर मैसेज है। चर्चा होने के बाद एक धारणा क्या बनी थी, इसलिए हमको इस शब्द का उपयोग भी कम से कम करना है और सही अर्थ में क्या है उसका अर्थ समझना चाहिए। अब हुआ क्या है, लेकिन एक ऐसी कॉलेज छात्रा को मैं पूछ चर्चा होकर तय हुआ था कि नहीं स्वीकार करने का, क्यों लाया गया होगा, तो उसने कहा कि माइनॉरिटी अपीयरमेंट को ढकने के लिए, पर्दा लगाने के लिए इसको लाया गया, ऐसा उसने कहा। जो दृश्य देखते हैं उस पर से लगता है कि हाँ यह बात सही हो सकती है। या देश में कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू करने के लिए सेकुलरिज्म नाम से लाया होगा। ये क्या हो गया है कि किसी दरगाह में जाकर चादर चढ़ाकर कोई नेता आता है तो दैट इज टर्म्ड एज ए सेकुलर एक्ट, जनरल ऐसा ध्यान में आता है। लेकिन किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कोई जाता है नेता, ये कम्युनल एक्ट लगता है उनको। ओवैसी के साथ स्टेज शेयर करना ये सेकुलर एक्ट लगता है। योगी जी के साथ स्टेज अगर शेयर किया तो कम्युनल बन जाते हैं। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत के रिसोर्सेस पर यहाँ के माइनॉरिटीज का, पर्टिकुलरली मुसलमानों का पहला अधिकार है। इतना घोर कम्युनल वाक्य, लेकिन ये सबसे बड़ा सेकुलर वाक्य कहा जाता है। यानी कैसे, क्या स्थिति अपनी हो रही है, ऐसे बहुत किस्से आपको भी, आप भी जानते होंगे। अर्थ किसी को पता नहीं है। अभी गत कुछ 10-15 वर्षों से मैं जितने लोगों से मिलता हूं, मैं उनको प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप सेकुलर हो, तो जल्दी उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर वो कहते हैं सेकुलर का अर्थ ऐसा होगा, तो मैं दो तुम्हारा अर्थ होगा, हाँ या ना, हाँ है तो क्यों हो, नहीं तो क्यों नहीं। तो जिन्होंने हाँ कहा उन्होंने कहा कारण क्या, मैं सभी धर्मों को समान मानता हूं इसलिए मैं सेकुलर हूं। तो मैंने कहा मतलब तो आप हिंदू हो, उतना पर्याप्त है। जो निर्णय में सेकुलर स्पेशली, जिन्होंने कहा नहीं, कारण बताया क्योंकि मैं हिंदू भी मानता हूं इसलिए मैं सेकुलर नहीं हूं। तो सेकुलर होना यानी हिंदू नहीं होना, ऐसा कहां कहा है। इस पर मेरा निष्कर्ष ऐसा, आप पता नहीं सहमत हो नहीं हो, मैं तो ऐसा कहता हूं भारत के संदर्भ में एटलीस्ट कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं सेकुलर हूं वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को सेकुलर होने की जरूरत ही नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रिलीजन होगा ही। निरीश्वरवादी होगा, एथिस्ट होगा, ही कैन बी कॉल्ड एथिस्ट बट नॉट सेकुलर। क्योंकि व्यक्ति को सेकुलर होने की जरूरत भी नहीं है। जहां से आया वहां भी नहीं थे, उनके अपने रिलीजन्स थे। अमेरिका वगैरह देशों में वो बाइबल को हाथ में लेकर अपनी ओथ लेते हैं, उनको संकोच नहीं है। हर एक का अपना रिलीजन होगा,
तंत्र है, सिस्टम है, स्टेट अपरेटस है, दैट शुड बी सेकुलर, यह कल्पना है। जैसे गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वो सेकुलर होना अपेक्षित है, ताकि उसमें चढ़ने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ जाति, उनका रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। स्पेशल कंसेशन कैन बी गिवन टू चिल्ड्रेन, ओल्ड पीपल, डिसेबल्ड पीपल, कई महिलाओं के लिए हो सकता है। इसके लिए ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को सेकुलर होने की जरूरत नहीं है, उसका अपना रिलीजन होगा। स्वामीनारायण मानता है तो यहां तिलक लगाएगा, उसके ऑफिस में उसका फोटो होगा, क्या आपत्ति है? इससे वो कमंडल नहीं बनता है। बस का ड्राइवर कंडक्टर, उसने सेकुलर होने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी अपनी इष्ट देवता होगी। अनेक ड्राइवर बस को शुरू करने के पहले अपने इष्ट देवता को नमन प्रणाम करके शुरू करते हैं, बस शुरू करते हैं। वहां उनके फोटो देवी का, गणेश जी का, साईं बाबा का, जो भी फोटो रहता है वहां पर, उसको छूट है। यानी तो सिस्टम जो अपनी है, राज्य व्यवस्था है, मानो आपने लाया ही है, लाने की जरूरत, क्योंकि भारत में पहले से राज्य व्यवस्था लोगों के व्यक्तिगत रिलीजन पैटर्न में दखल देती नहीं थी। भारत से बाहर से आए हुए लोग, पारसी आए, जूज आए, जूज सेकंड सेंचुरी में आए, पारसी सिक्स सेंचुरी में आए, जूज ज्यादातर मुंबई में ज्यादा थे, पारसी ज्यादातर गुजरात में आए, सीरियन क्रिश्चियन 8th सेंचुरी में केरल में आए। वहां के राजा अलग अलग थे, वहां के लोगों की भाषा अलग अलग थी, वहां के लोगों की अपनी अपनी देवता अलग अलग थी, लेकिन एथनिकली, रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली एलियन लोग अपने यहां आए हैं, कम संख्या में आए हैं। सबको समान ट्रीटमेंट मिली, सम्मान मिला, अपने अपनी पूजा रिलीजन को फॉलो करने का सबको अधिकार मिला, अपने अपने पूजा स्थल खड़े करने का उनको स्वातंत्र मिला। कॉमन क्या था? कॉमन कुछ नहीं था, कॉमन वही था हिंदुत्व, वॉज द कॉमन थिंग। इसलिए यहां के राजा ने कभी किसी के रिलीजियस मैटर में दखल नहीं दी थी, इसलिए यहां पर सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी। यहां के लोगों ने इसको लाकर राज्य प्रिफरेंशियली कुछ रिलीजियंस के बीच में ज्यादा 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 दखल देने लगे। वास्तव में अगर आपको सही में सेकुलर का अर्थ है तो डिफाइन करना चाहिए अपने संविधान में। संविधान के जानकार लोगों ने मुझे जो बताया है कि सेकुलर शब्द का और माइनॉरिटी का संविधान में उनकी व्याख्या ही नहीं की है, चल पड़े शब्द वास्तव में। तो इसलिए अगर सही में अब आपने शब्द डाला ही है तो स्टेट को सही में सेकुलर करना है, उसका आचरण वैसा होना चाहिए, तो केवल मंदिरों पर कब्जा करना सरकार का यह गलत है। या तो सभी रिलीजियंस के संस्थानों के संपत्ति का उन्होंने अधिकार जमा कर उसका हिसाब रखना चाहिए, ठीक उपयोग करना चाहिए, या जनता को छोड़ देना चाहिए, उनको करने दो, लेट देम डिसाइड। वो ठीक करते कि नहीं वो देखो, अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा है तो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज द्वारा चलने वाले संस्थानों में, जिनमें अधिकतर छात्र तो सो कॉल्ड मेजर में, सो कॉल्ड मेजोरिटी की अब तक व्याख्या नहीं हुई है, सो कॉल्ड मेजोरिटी के छात्र पढ़ते हैं, वहां पर उनके रिलीजन की शिक्षा देने का प्रावधान है, बाकी लोगों क्यों नहीं है? उसमें आप दखल क्यों करते हो? लेट देम डू इट। अभिभावक तय करेंगे कि मेरे बालक को मुझे कहां डालना है। स्कॉलरशिप्स है, सब्सिडीज है, हज की सब्सिडी है, किसी भी मुस्लिम कंट्री में हज को सब्सिडी नहीं मिलती, क्योंकि इस्लामी स्कॉलर्स ने कहा है कि अपने खुद के पैसे बचाकर उसके द्वारा की हज यात्रा ही कबूल होती है, बाकी नहीं कबूल होती है। तो हज को सब्सिडी देना केवल ये सेकुलर स्टेट का भी काम नहीं है, इट इज नॉट इस्लामिक आल्सो, लेकिन हो रहा है अंडर सेकुलरिज्म।
तो इन सारी बातों पर एक बार विचार होना चाहिए कि सही में उसका अर्थ है कि व्याख्या तय की जाए एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड ट्रीट एवरीबडी एट पार स्टेट एपरेटस एंड शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियंस एनी बडी। ये वास्तव में होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे एक थोड़ी लंबी बात करूंगा लेकिन बात को समझने के लिए क्या गड़बड़ हुई अपने यहां, तो भारत के स्वतंत्र भारत का ध्वज कैसा होना चाहिए इसके एक प्रक्रिया का इतिहास है। सबसे पहला मॉडल बनाया सिस्टर निवेदिता ने 1905 में, उसने वज्र चिन्ह लिया। दधीचि ऋषि की कहानी बताई कि प्यूरिटी ऑफ लाइफ, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ तीनों का प्रतीक वज्र चिन्ह है, क्योंकि वृत्रासुर का वध करने के लिए ऐसे एक शस्त्र की आवश्यकता, ऐसा जब देवताओं को पता चला तब सब देवता दधीचि के पास गए कि आपके हड्डियों से ही शस्त्र बनेगा, आपकी हड्डियां दीजिए देह त्याग करके। तब दधीचि ने कहा वृत्रासुर ने मारे हुए राक्षसों की हड्डियों के ढेर पड़े वहां से बना लो। तो कहा नहीं, जिसका जीवन अत्यंत शुद्ध है और जो स्वेच्छा से देह त्याग करेगा उसी की हड्डी में से बनेगा, इसलिए आज भारत को इसकी आवश्यकता है, सैक्रिफाइस प्योरिटी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रेंथ। फिर वो अपने फ्रेंड को लिखती है इसका वर्णन करने के बाद, दैट अनफॉर्चुनेटली वी हैड ए चाइनीज वॉर फ्लैग एज मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी मेड इट ब्लैक ऑन रेड, रंग ये चुने गए काले लाल कपड़े पर काला चिन्ह, क्योंकि चाइना का फ्लैग उनके सामने था। आगे वो लिखती है निवेदिता मार्गरेट नोबल जो मूल भारत की नहीं थी, वो लिखती है बट दिस डज नॉट अपील टू इंडियंस, सो नेक्स्ट वन यूज्ड टू बी येलो ऑन सैफरन, तो भगवे रंग के कपड़े पर पीले रंग का वज्र चिन्ह, ऐसा ध्वज 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में डिस्प्ले किया गया। ये पहला नमूना था। फिर मैडम कामाने वगैरह कुछ आए और बाद में 1921 में गांधी जी के आह्वान पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने वाला ध्वज चाहिए, तो आंध्र के वेंकैया नाम के एक युवक ने लाल हरा जोड़कर एक ध्वज दिया। गांधी जी को ये कल्पना बहुत अच्छी लगी, गुड आइडिया, लेकिन कहा कि पारसी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है उनका सफेद रंग भी उसमें ऐड करो, सफेद हरा नीचे लाल ऊपर चरखा, ऐसा फ्लैग चला। अब महत्व की बात आती है आगे, वो क्लियर था और बड़े शुद्ध भाव से कि ये अलग अलग कम्युनिटी है उनको हमको एकता लानी है, वी हैव टू फोर्ज यूनिटी, ये ध्वज उसका सिंबल है, भाव अच्छा ही था। लेकिन सिख लोगों के समाज के द्वारा इस पर एक बहुत महत्व की बेसिक मौलिक आपत्ति उठाई गई, उन्होंने कहा कि अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग सोच कर उनको एक करने का विचार कम्युनल है, इसलिए उन्होंने कहा यह फ्लैग कम्युनल है, वी शुड हैव ए नेशनल फ्लैग। ये 1921 से उनकी आपत्ति थी, मांग थी। 1929 में उनका एक प्रतिनिधिमंडल मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में गांधी जी को मिला और उन्होंने फिर से एक बार यह मांग की, और पहले तो यह कहा कि यह कम्युनल ध्वज नहीं होना चाहिए, यू शुड हैव ए नेशनल फ्लैग। आगे कहा अगर आपको ऐसा ही कम्युनल ध्वज रखना है, सेम कंसेप्ट, तो सिख कम्युनिटी का येलो कलर इसमें ऐड कीजिए, मतलब चार रंग के हो जाएंगे। दिस डिमांड वॉज सो स्ट्रांग इन 1929, 1930 में नमक सत्याग्रह वगैरह के बाद 1931 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने एक फ्लैग कमिटी नियुक्त की टू डिसाइड रिकमेंड अबाउट इट। कौन कौन थे उसमें, पंडित नेहरू थे, नाम देखिए पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, अबुल कलाम आजाद थे, मास्टर तारा सिंह, पट्टाभाई सीतारामैया, डॉक्टर हार्डीकर, काका कालेलकर, इन लोगों ने भिन्न भिन्न व्यक्तियों से स्टेट कांग्रेस कमिटी से आपत्तियां सुझाव मांगे, 40-50 के करीब आए सजेशंस आपत्तियां, उसके दो गट थे, मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। पहले गट ने कहा कि अब 10 साल तक
लोगों ने इसको स्वीकार किया है, गांव वहां पहुंच गया है, दो सत्याग्रह हमने 21 के 30 के इसके अंदर किए हैं, इसी को रखिए। और इन रंगों का जो कम्युनल कॉनोटेशन है, हम उसके बदले में पॉजिटिव कॉनोटेशन, पीस, सेक्रीफाइस, प्रॉस्पेरिटी, ऐसे भी रंग करते हैं, ये लोगों को बताएंगे। जिन्होंने बदल करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि ये मूलतः ये कल्पना ही कम्युनल है, इसको नहीं रखना चाहिए। और बल्गेरिया पर्शिया का ध्वज इसी के समान है, यही रंग है, थोड़े आगे पीछे ऊपर नीचे है, दैट मे क्रिएट कंफ्यूजन। इन सारों को लेकर फ्लैग कमिटी ने कहा, ये सारी बातें आर्काइव में अवेलेबल है, पहले गट को फ्लैग कमिटी ऐसा लिखती है वहां पर कि यह 10 ऐसा लिखा है। आगे कहा कि कम्युनल कॉन्सेप्टेशन को बदलकर हम अच्छे कुछ पॉजिटिव कॉन्सेप्टेशन बताने का प्रयत्न करेंगे, तो भी जो डीपर कम्युनल कॉन्सेप्टेशन इन रंगों का अर्थ गया है वो नहीं जाएगा, ऐसा फ्लैग कमिटी लिखती है। लिखकर वो कहते हैं आगे का उनका, मैं अभी शब्दशः वर्बेटम कह रहा हूं, वो लिखते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट अवर फ्लैग शुड बी आर्टिस्टिक, डिस्टिंक्ट एंड नॉन कम्युनल। यानी ये कम्युनल है, इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, और नॉन कम्युनल होना चाहिए, ऐसा उनका पहला वाक्य है। सेकंड सेंटेंस इज, इट वॉज डिसाइडेड यूनानिमसली, लिखा है दैट इट शुड बी ऑफ वन सिंगल कलर। आगे लिखते हैं, इफ देयर इज अ कलर दैट इज मोर डिस्टिंक्ट देन अनदर, वन दैट इज मोर एक्सेप्टेबल टू द इंडियंस एज ए होल, एंड वन दैट इज एसोसिएटेड विद दिस एंशियंट कंट्री बाय लॉन्ग ट्रेडिशन, इट इज द सैफ्रन केसरी कलर। तो सैफ्रन केसरी कलर के रेक्टेंगुलर फ्लैग में नीले रंग का चरखा होना चाहिए, ऐसा उनका यूनानिमस रिकमेंडेशन था। मैं जब कह रहा तो मेरा कहना यह नहीं कि हमको ध्वज बदलना है, भारत के संविधान ने जो हम राष्ट्रध्वज स्वीकार किया है ट्राइकलर, वो हमारा ध्वज है, उसकी रक्षा करना, सम्मान करना प्रत्येक का कर्तव्य है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, कई बार नहीं तो पत्रकार लोग बैठे थे जरा उसमें से कुछ नया निकालेंगे, कॉन्ट्रोवर्सी है, आरएसएस ऐसा चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन थॉट प्रोसेस, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार के विचार प्रक्रिया को फ्लैग कमिटी ने स्वीकार किया, ये कम्युनल थॉट है, ये नॉन कम्युनल होना चाहिए ऐसा कहा था। आज ध्यान में क्या आता है, उस समय जो कम्युनल जिसको सब लोगों ने कहा था वह सेकुलर बनकर बड़ा प्रतिष्ठित हो गया है, और जो नेशनल था जैसे भगवान रंग नेशनल था वह आज कम्युनल हो गया है। उस समय वंदे मातरम नेशनल था, आज कम्युनल हो गया है। उस समय रामराज्य की बात करना नेशनल था, आज कम्युनल हो गया है। गोहत्या प्रतिबंध की बात करना उस समय नेशनल था, आज कम्युनल हो गया है। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, इसके मूल में इन दो शब्दों के ठीक अर्थ न समझने से है। अब धर्म की बात करना कम्युनल हो गया, और सेकुलर जिसका कोई अर्थ किसी को पता ही नहीं है, वो बाहर से आकर बैठ गया है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। इसलिए इन दोनों शब्दों का ठीक अर्थ समझकर हम अगर ठीक से उपयोग करते हैं तो इस दुविधा से, संभ्रम से हम बाहर आएंगे। और जो भारत के निर्माण करने वाले जो लोग थे वो बहुत सोचने वाले लोग थे, उनको भारत का पूर्व परंपरा, इतिहास अच्छा ज्ञान था, भविष्य में भारत को कहां ले जाना है यह स्पष्ट कल्पना थी। उन्होंने जिन शब्दों को नकारा है और जिन शब्दों को आग्रहपूर्वक लिया है उसको समझकर ठीक से उपयोग करेंगे
तो सेकुलर शब्द का पहली बात तो हम लोग कृपया अनुवाद करना छोड़ दीजिए, बिन सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष वगैरह उसका अर्थ नहीं है। करना ही है तो सेकुलर कहिए, उसका प्रयोग करने का बहुत आवश्यक है तब करना। सीधा कॉल स्पेड ए स्पेड ज्यादा अच्छा रहेगा, और धर्म की अवधारणा को समझना चाहिए, उसको उसको रिलीजन के सीमित अर्थ से बाहर निकालना चाहिए। कल जब मैंने कहा कि ये तिलक लगाना, माला पहनना वगैरह, ये रिलीजन का भाग हो सकता है, उपासना हो सकता है, ये धर्म नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि फिर लोग ऐसा करना छोड़ देंगे वगैरह, जरूरत नहीं है। यानी जो नहीं पहनते वो धार्मिक, धार्मिक कौन है? वो रिक्शा वाले धार्मिक नहीं थे, भले राम कथा के लिए फ्री रेंट दिया होगा। कल जो बताया, जो एक महिला यहां पर अंबाजी में हर महीने जाती है, तो हर महीने पहले उनका जाना ये रिलीजन का भाग था, उसकी उपासना थी। जब से उन्होंने वहां के बच्चों को, भिखारियों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की, तब से वो कृत्य धार्मिक है। जाना ये रिलीजियस एक्ट है, ये उपासना का भाग है। डाकोर जाते लोग पैदल जाएंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे वगैरह, तरह तरह के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा करने से वो जो बात आया स्वामी जी ने कहा था, बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके भाग है। लेकिन डिविनिटी मैनिफेस्ट करनी है तो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इन बिहेवियर, इन योर ट्रांजेक्शन विद द पीपल, विद द नेचर, दैट इज धर्म। एंड एक्सप्रेशन ऑफ द डिविनिटी इन यूर कंडक्ट इज रिलीजन, उपासना, वो अच्छी है। ये संघ की शाखाओं में आजकल चल रहा है कि शाखा में जाना ये वास्तव में संघ का काम नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार जी का 1940 का बौद्धिक, उसमें कहा कि संघ कार्य शाखा तक सीमित नहीं, वो समाज में करना है। तो समाज में संघ कार्य करना है, उसके लिए अपने आप को लायक बनाने के लिए शाखा में जाना है। शाखा में जाने का महत्व है। शाखा में जाना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जो जिस काम में हम लगे वहां वहां पर हमको सफलता मिलती है, उसका अहंकार आता है, ईगो आता है। शाखा इज द बेस्ट प्लेस फॉर ईगो मैनेजमेंट। और धूल मिट्टी में खेलते हैं, उसको गिरते कूदते, सारा अपने आप सबका ईगो ठीक हो जाता है, लेवल बन जाता है। बैंक का मैनेजर प्यून सब एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे टांग खींचते वगैरह, अपने आप ईगो ठीक हो जाता है। सब नीचे बैठते मंडल में, जिसको नीचे बैठने में तकलीफ है उसके लिए कुर्सी है। संपन्न हो, बड़ा हो, छोटा हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो। और ये जो शाखा तंत्र है, इट हैज बिकम इफेक्टिव ग्लोबल। भारत के बाहर करीब 45 देशों में इन शाखाओं के माध्यम से हिंदू समाज के लिए, वहां का जो हिंदू समाज है उनके लिए निस्वार्थ भाव से समय निकालने वाले लोग तैयार हो रहे हैं। केनिया में 1947 जनवरी से संघ कार्य, पहली शाखा वहां लगी थी भारत के बाहर की। वहां के लोकल जो अफ्रीकन लोग हैं, केनियन लोग जो काले होते हैं अक्सर, उन्होंने देखा कि सारे आबादी में, भौतिकता की दौड़ में, यंग पीढ़ी का अधिक पैसा कमाना, लग्जरी जीना वगैरह असारा देखते हैं, इसमें भी 3 पीढ़ियों के बाद भी इस हिंदुओं के बच्चे अपने समाज के लिए समय दे रहे हैं। उनको आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि हमारे समाज में भी हमको ऐसे लोग तैयार करने चाहिए। इसलिए गत कुछ वर्षों से, लगभग 3-4 वर्षों से, केनिया ने अपने केनियन लोगों के लिए, अपने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से समय देकर समाज को संगठित करने के लिए, लोग तैयार करने के लिए उनकी शाखाएं शुरू हुई है। तोराइस केनिया नाम से शाखा चलती है। वो शाखाओं का आप अगर वीडियो देखेंगे, वहां से नमस्कार होते हैं, समता होती है, खेल होते हैं, सांगी गीत होता है। मेरे पास जो वीडियो आया वहां स्वाहिली भाषा में सांगी गीत चल रहा था। अगर गीत का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो गीत था, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, ऐसा गीत था। ये गीत उसका अनुवाद क्या हुआ था,
और अब एक अपने संघ की प्रचारिका अब इसके लिए काम कर रही है। यानी शाखा में जाना तो आवश्यक है ही, लेकिन संघ कार्य समाज में जाकर करना ये महत्व की बात है। उसी तरह आप पूजा कीजिए, मंदिर में जाइए, बाकी सारा कीजिए, वो अच्छी बात है। कोई ज्यादा करेगा कम करेगा ये ठीक है। धर्म क्या है? धर्म जो अपने नहीं है उनको अपना मानकर उनके लिए करना, धर्म आचरण का नाम है। धर्म पहनने की चीज नहीं। धर्म का संबंध ट्रांजैक्शन में आता है, दूसरों के साथ आता है, ये महत्व की बात है। तो धर्म की ठीक बात को हम समझेंगे और सेकुलर शब्द का ठीक अर्थ समझेंगे। आ गया है तो सही में स्टेट शुड बिहेव एग्जैक्टली सेम वे, दे शुड नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ द पीपल। ऐसा वास्तव में करना चाहिए, ऐसी जागरूकता आनी चाहिए, ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। तो धर्म चक्र प्रवर्तनाय जो लोकसभा में लिखा गया है, राज्यसभा में धर्म का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट में है, राष्ट्र ध्वज में जो धर्म चक्र है, हम सबको नाम ये पता है कि वो अशोक चक्र है, वास्तव में धर्म चक्र है। अशोक ने उसको स्वीकार किया था, ये बात सही है। इस धर्म चक्र को घूमता रखना हर एक का दायित्व है, प्रत्येक का दायित्व है। तो प्रत्येक ने निस्वार्थ भाव से, प्रामाणिकता से, तन मन धन पूर्वक समाज को अपना मानकर समाज के लिए कुछ न कुछ देता रहना चाहिए। जिसके बाद जो है वो दे, जो मैंने जो कल कहा था कि जिनके बगीचे में फूल खिले उन्होंने वो दो फूल देंगे, जिनके कंठ में स्वर है वो दो गीत गाने चाहिए, जिनके सूर्य कुल से जिनका रिश्ता उन्होंने थोड़ा उजाला देना चाहिए, सदियों का अंधकार वहां प्रकाश का गांव बसाना चाहिए, जिनके आंगन में बादल झुके उन्होंने थोड़ा जल देना चाहिए, अपना श्रीमंत हृदय उन्होंने खाली करके फिर से भर लेना चाहिए, आसमान जितनी जिनकी ऊंचाई उन्होंने थोड़ा नीचे झुकना चाहिए, जिनके जन्म मिट्टी में मैले हुए हैं उन्हें उठाकर गोद में लेना चाहिए। इससे धर्म पुष्ट होगा, धर्म का चक्र चलेगा। एंड धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, धर्म भेदभाव नहीं करता है, धर्म कनेक्ट्स विथ ऑल, धर्म यूनाइट्स ऑल, धर्म बाइंड्स ऑल टुगेदर, धर्म होल्ड्स ऑल टुगेदर। इसलिए कहा है धर्म वह है जो धारणा करता है। तो धर्म का ठीक अर्थ समझकर उसका जोर शोर से, जो रिलीजन नहीं है ऐसा एक वातावरण बनना चाहिए। उससे कुछ शब्द का अत्यंत सीमित अर्थ है, भारत के लिए अनावश्यक है, लेकिन आ गया है उसका अर्थ डिफाइन कीजिए, पिन पॉइंट कीजिए और सही में मेक द स्टेट टू बी रियली सेकुलर। व्यक्ति को सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति के अपने अपने रिलीजन रहेंगे, उसका पालन करने से नोबडी शुड फील दैट somebody gets offended। कोई कारण उनको जरूरत नहीं है, हमारे मन में ऐसा है, एक भयगंडा निर्माण किया गया है, उसमें सबको बाहर आना चाहिए। तो हमारा स्वत्व सही अर्थ में पूर्ण पुरुषार्थ के साथ प्रकट होगा और भारत जिस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई है, अधिक गति से अपनी पहचान को कायम रखते हुए संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में लेकर, क्योंकि आज दुनिया इतनी छोटी हुई है, आने जाने के साधन इतने गतिमान हो गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस नेट वगैरह विद ऑल द डायवर्सिटीज ऑफ एथनिसिटी लैंग्वेजेस रिलीजन्स, सबको साथ रहना है इन हार्मनी एंड पीस। इस निसर्ग के साथ भी जिनको हार्मनी के साथ रहना है, इसका उत्तर भारत के पास है। एक छोटी बात कहकर मेरी बात पूर्ण करूंगा। ऐसे 2009 के इलेक्शन के बाद मैं कुरुक्षेत्र गया था, वहां एक कॉलेज का छात्र मेरी व्यवस्था में था, पूछा क्या तुम्हारी हॉबीज है, नॉर्मली स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक वगैरह, रीडिंग ऐसी बताते। उसने कहा मैं कहानी लिखता हूँ। मुझे ऐसा पहला छात्र मिला था कॉलेज का जिसकी हॉबी कहानी लिखना है। उन्होंने कहा कैसी कहानी लिखते हो? उसने कहानी बताई, जस्ट चुनाव हुए थे, उसने कहा मेरे रूममेट ने मुझे चैलेंज किया कि तुम चुनाव पर कहानी लिखो। मैंने कहानी लिखी, वो कहानी बता रहा है, कह रहा है एक जगह पर चुनावी घोषणा हुई,
और चार उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। चार उम्मीदवार थे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, और सभी ने मनुष्य ह्यूमन बीइंग यह सिंबल चाहिए ऐसी मांग की थी। चुनाव अधिकारी के सामने बातें आई, उनको लगा बाकी फॉर्म ठीक है लेकिन सभी का चिन्ह एक तो नहीं होगा, एक को मिलेगा बाकी को किसी को पेड़ घोड़ा ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। चारों को बुलाता है, ऐसे कहानी भी लिखता है, और कहा कि एक को मिलेगा मनुष्य सिंबल, किसको मिलेगा, जो अपनी बाजू जोरदार रखेगा कन्विंसिंगली उसको दूंगा, बाकी को अन्य कोई चिन्ह लेने पड़ेंगे। फिर कहानी वाला लिखता है और हर उम्मीदवार ने यह कहा कि मनुष्य सिंबल मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि इस मनुष्य के मुझ पर बहुत उपकार है, इसी ने मुझे जन्म दिया है, इसी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं आज इतना ताकतवर बना हूं, चुनाव लड़ने लायक बना हूं, इसका कारण मनुष्य है, इसलिए वह चिन्ह मुझे ही मिलना चाहिए। यह कहानी पूर्ण होती है। तो ये चारों समस्याएं जो निर्माण हुई है, जिस मनुष्य या मानव समूह निर्माण की है, वो पिछड़ा नहीं था, अनपढ़ नहीं था, गरीब नहीं था। सो कॉल्ड मोस्ट डेवलप्ड रिच प्रॉस्परस ऐसे देशों के द्वारा ही केवल 500 वर्षों में इतनी विकराल समस्या खड़ी की है, और भारत का कम से कम 10,000 वर्षों का एक समृद्ध संपन्न जीवन दुनिया ने देखा है, कोई समस्या ऐसी खड़ी तो। इसलिए निसर्ग के साथ भी हार्मोनियसली कैसे हम जीकर साथ बढ़ सकते हैं, यह वास्तव में इसका उत्तर, इसका अनुभव, इसका इतिहास भारत के पास है। तो दुनिया को कैसा जीवन जीना चाहिए वो दिखाने का वास्तव में भारत का दायित्व है। इसलिए भारत अपने स्वत्व की पहचान लेकर अगर आगे बढ़ेगा, खड़ा होगा, तो दुनिया तो ढूंढ रही है, रास्ता ढूंढ रही है। जैसे लाइट हाउस के लिए लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन लाइट हाउस नहीं दिख रहा है, उनके पास अनुभव कम है, दे आर कंफ्यूज्ड। इसलिए संघ के जो पहले पंक्ति के प्रचारक में से एक दादा और परमार्थ थे, उनको पूछा गया, दादा कैन यू डिस्क्राइब आरएसएस, एक वाक्य में बताएंगे। उनका वाक्य था, आजकल के जो ट्विटर के जमाने में 140 कैरेक्टर में चीज बिठाने में हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उन्होंने आधे ट्वीट में सारा संघ बता दिया। उन्होंने कहा आरएसएस इज द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ दिस हिंदू नेशन। भारत का जो वैश्विक दायित्व है उसके लिए भारत को तैयार करना यह संघ का काम है। तो संघ मतलब एक संस्था है, संघ संपूर्ण समाज है। तो संपूर्ण समाज इसमें जुड़ जाएगा तो अपने योग्य पहचान के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो धर्म चक्र प्रवर्तन वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति करेगा, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय होगा सही अर्थ में। केवल अखिल भारतीय का भौगोलिक अर्थ अलग है। तो मुझे लगता है हम शीघ्र ही अपना जो स्वप्न है, जो दायित्व हमको दिया गया है भगवान ने, उसके लिए हम यहां सिद्ध हो सकेंगे। तो मुख्यतः यह धर्म चक्र प्रवर्तनाय विषय को लेकर मेरे मन में जो विचार थे मैंने रखे हैं।